تنسى كريمة شهيد كني تنسى كريمة شهيد كني ورمات كريمة فيدا كن نمت أسنبي كنا ميلا بانغو كي بيتي ودي خيالا نرشان بيكا ميلا دوا ميسنگ پرسن دافر دين بمدي جن ایک بيتي خيالا نرشان بيكا महलब में हमा गोंडले के मां 9 साल अमराजी महलबा कदी कराची प्रेस क्लब में देमा कदी शाल प्रेस क्लब में देमा के तबे महलब मजन को भले महलब में डॉक्टर तीन तनी ओ चिंचो करीमा शहीद कने तो चिंचो करीमा शहीद कने डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम ये अपनी ही जमीन होगी ये अपना आसमां होगा ये अपनी ही जमीन होगी ये अपना आसमां होगा शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा यही नामो निशान होगा लुमा याता सबसे पहले सुर्ख सलाम शोदाए बलूचिस्तान को बलूच शहीद माओं को बेटों को और करीमा जैसी बहादुर बेटियों को जिन्होंने गुलामी की जिंदगी से ज्यादा शहादत को तरजीह दी है सुर्ख सलाम शोदाए बलूचिस्तान को करीमा जब से मेरा याददाश्त है मैं 2009 से लेकर मैं करीमा के हाथों ही शायद पली हूँ हर हफ्ते कभी ना कभी वो मुझे याद करती थी हम उसे लुम्मा कह के पुकारते थे लुम्मा मतलब माँ अम्मा शेर जाले लुम्मा जिसने हमें कभी भी अपनी अम्मी से कम नहीं देखा जिसने पूरी कौम को पीएसओ को जाहिद और जाकिर के पूरे बलोच राज को ये नाम दे दिया उसने बानो करीमा का शायद एक्सेप्ट करती हूँ आपने करीमा को मारकर जाहिद के केस के आई इंडेक्स गवाह को कत्ल किया है शायद लेकिन करीमा की सोच का क्या करोगे तुम उसकी फिक्र का क्या करोगे तुम अभी इसका जवाब हजारों की तादाद आप लोगों के सामने है इस फिक्र का तुम क्या करोगे जिसने महलब सम्मी फरजाना से लेकर हजारों औरतें पैदा की हैं बलूचिस्तान में करीमा वो वाहिद औरत थी जिसने सियासत शुरू की सबसे पहले रियासती अदारों से छोड़कर उसको अपनी बलोची माशरे से लड़ना पड़ा बलोच कल्चर ने उसको इतना तकलीफ दिया वो घर से निकल नहीं सकती थी लेकिन उसकी हिम्मत उसकी हौसला ने उसको और उसकी गुलामी ने उसको इस घर से निकलने से मजबूर किया आज उसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान के कोने कोने से आपको बलोच औरतें मिल रही हैं करीमा वो वाहिद औरत थी जिसने रजा जहांगीर को पैदा किया जिसने जाकिर मजीद को पैदा किया कंधों से कंधे मिलाकर अपने भाइयों के साथ हर सख्ती में उन्होंने साथ दी लेकिन अफसोस हम औरत की कदर नहीं जानते हमने अपनी लुम्मा की कदर नहीं जानी हमने उनको यूएन के हवाले से बाहर इंटरनेशनल ममालिक के हवाले की हमको अपनी लुम्मा जिंदा चाहिए थी हमने उनको यहाँ से निकाला क्योंकि उसे धमकियाँ मिल रही थी लेकिन हमने नहीं पता था हमारे टैक्स ठीक आकर बैरूनी ममालिक हमें ही मारेंगे पाकिस्तान तो 70 सालों से हमें मार रहा है 3 रोज पहले पंजगुर में उन्होंने ऑपरेशन किया और एक फैमिली को एक माँ को उसके 6 औलाद के साथ उन्होंने शहीद किया वो तो पहले 70 सालों से हमारे साथ करते आ रही है लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब बैरूनी ममालिक भी उनके साथ दे रहे हैं क्या बलोच का कोई हक नहीं या गुलाम का कोई हक नहीं होता क्या गुलाम कोई इंसानी हैसियत नहीं रखती
पावर है, ताकत है इसके साथ, स्टेट के साथ, लेकिन अंदर जाके देखो उसका पावर कहाँ से है। बलूचिस्तान से है, गवादर से है, हमारे घर से है। हमको उठाकर मारकर शहीद करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? करीमा लायक संजीदा के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और शेरजाल औरत थी। तकलीफ उसको मारने का इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक खूबसूरत औरत की कत्ल हो चुकी है और पूरी दुनिया अभी तक खामोश है। एक औरत के साथ साथ आप लोगों ने दुनिया में खूबसूरती का कत्ल किया है। बलूचिस्तान में हर रोज माएं मर रही हैं, बेटियां मर रही हैं। हम कैसे जिंदा हो रहे हैं हमें अपना आज और कल का नहीं पता। अभी एक महीने पहले मैं मश्के से आ रही हूँ, वहां पे आपको पता ही नहीं कि पूरी दुनिया है। 20वीं सदी में बलूचिस्तान पता नहीं किस जमाने में जी रही है। आवाज उठाओ तो बोलते हैं दहशतगर्द हो। कुछ बचा है करने को, सोचने को, समझने को। बलोच कौम को अपनी ताकत खुद बननी है, अपनी जंग खुद लड़नी है एक दूसरे के साथ होकर। बलोच को अपने आप को मनवाना है। इस दफा इस रैली में हमने यूएन के नारे नहीं लगाए। शिकवा है हमें यूएन से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे लोगों को मार कर कत्ल करके कोई पूछने वाला ही नहीं होता। कैनेडा से लेकर बैरूनी तमाम ममालिक में जानवरों के हक होते हैं, बलोच औरत की कोई हक नहीं होती। हमें उठना होगा लुम्मा के लिए, हमें उठना होगा अपनी कौम के लिए। इस गुलामी ने हमें तो बर्बाद कर ही चुकी है। जो कुछ बचे हो वो तो उठो, खुद को जानो, अपने हक को जानो। तुम कौन हो? तुम सब लुम्मा के बेटे और बेटियां हो। तुम सबको लुम्मा को भूलना नहीं है। बलोच कौम को, लुम्मा करीमा को जिंदा रखना है, शेरजाल औरत को जिंदा रखना है। ए जालिम, ए जालिम, तुमने हमसे ऐसे हीरे छीने हैं, बहुत लंबा हिसाब है। तुम्हें हिसाब देना होगा राशिद हुसैन का, तुम्हें हिसाब देना होगा साजिद हुसैन का, तुम्हें हिसाब देना होगा बानो करीमा का। मुजाहिमत जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद।